हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने चैनल में आप सभी पाठकों का स्वागत करते हुए आपको एक बार मैं ऐसी वीडियोस की ओर ले चलने का प्रयास कर रहा हूं। फ्रेंड्स, जो प्रायः हमें कंफ्यूज करते हैं कि इन वाक्यों को हम किस प्रकार से प्रकट करें, कैसे लिखें या बोलें, तो आइए हम देखते हैं ऐसे वाक्य जिनमें वर्ब्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, वही क्रिया दो बार आती है तो हम कंफ्यूज होते हैं कि उस क्रिया को हम किस प्रकार से एक्सप्रेस करें। लेकिन बहुत इजी कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। जैसे वह रोते रोते सो गया, लड़के रोते रोते सो गए, लड़कियां नाचते नाचते स्कूल के मंच पर आई। तो यहां देख रहे हैं नाचते नाचते, पढ़ते पढ़ते, खाते खाते, सोते सोते, रोते रोते, गाते गाते। फ्रेंड्स, ये वर्ब है गाना, सोना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना आदि। तो आप देख रहे हैं कि क्रिया का रिप्रेशन हो रहा है। क्रिया का रिप्रेशन होगा जब, तो वहां पर हम ऐसे वाक्यों को किस तरह से लिखेंगे, आइए हमको यही सीखना है इस वीडियो में आज। तो हम चाहेंगे कि अंत तक आप बने रहें वीडियो पर। लेकिन फ्रेंड्स, शुरू करने के पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो बेल आइकन को हिट करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए देखते हैं, आज हम आपको वर्ब्स का रिप्रेजेंटेशन पढ़ाएंगे। सपोज कीजिए वह पढ़ते पढ़ते सो गया, वह पढ़ते पढ़ते सो गया। दूसरा वाक्य आप देखिए, वह हंसते हंसते, वह हंसते हंसते कूद गया। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं ऐसे वाक्यों को किस तरह से हमें इनको ट्रांसलेट करना है और स्पोकन में बोलते समय ऐसे वाक्यों में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां देख रहे हैं पढ़ते पढ़ते, ये पढ़ना क्रिया है, हंसते हंसते, इसी तरह से आगे के वाक्यों में रोते रोते, गाते गाते, जाते जाते, कुछ भी कोई भी क्रिया हो अगर उसका डिफिनेशन हो रहा है, क्रिया दो बार आ रही है तो हमें कंफ्यूज ना करें। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे वाक्य को हम टेंस के अनुसार, ध्यान दीजिएगा जिस टेंस में होगा उसी टेंस के अनुरूप उसको हम ट्रांसलेट कर देंगे। अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट के अनुसार, पास्ट में है तो पास्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के बाद हम, अब यहां देखिए आप देख रहे हैं तो मी टू पास्ट का वाक्य है और मी टू के साथ हम लिखेंगे वी फोर। अब यहां पर आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट वी टू प्लस वी फोर। अब फ्रेंड्स, यहां पर इसमें दो क्रियाएं हो रही है, एक तो पढ़ते पढ़ते जिस क्रिया का रिप्रेशन हो रहा है और दूसरा है एक क्रिया है सोना, सो गया, वह पढ़ते पढ़ते सो गया। इट मीन्स कि वह सोया लेकिन कैसे सोया, किस क्रिया को करते करते सोया, पढ़ते पढ़ते सो गया, रोते रोते सो गया, गाते गाते वह चला गया। तो फ्रेंड, जिस क्रिया के यहां पर दो क्रियाएं हैं, तो आप यहां देख रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो हम सब्जेक्ट के साथ वी टू और वी टू के बाद वी फोर लिखेंगे। तो वी फोर कौन सा है, रिपीटेशन वाली वर्ब है, ये आर भी हम लिख रहे हैं फ्रेंड्स, आर मीन्स रिपीटेशन ऑफ वर्ब। तो देखें सब्जेक्ट है वह, क्या लिखेंगे ही, पढ़ते पढ़ते सो गया, स्लेप्ट पास्ट इंडेफिनिट है, कैसे सोया, पढ़ते पढ़ते, तो कुछ नहीं इसलिए वी फोर मीन्स रीडिंग। बस फ्रेंड्स, जो कंफ्यूज करता है हमें क्या पढ़ते पढ़ते को कैसे लिखे, तो बहुत ही कॉन्सेप्ट है, केवल कंफ्यूज करता है हमको, तो ही स्लेप्ट रीडिंग, वो पढ़ते पढ़ते सो गया। दूसरा है वह हंसते हंसते कूद गया,
उसको देख लीजिए। चलिए इस मीडिया में कूद गई कर रहे हैं, वह हंसते हंसते कूद गई, तो ही की जगह यहां हो जाएगा फ्रेंड सी। कूद गई मीन्स जंप्ड, सी जंप्ड। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वी टू, यहां भी क्या है मुख्य क्रिया के रूप में कूदना, वहां सोना, और जिस क्रिया का रिपीटेशन हो रहा है वह हंसते हंसते, तो सी जंप्ड लाफिंग। आप वी फोर लगाना है रिपीटेशन ऑफ वर्ब को, तो सी जंप्ड लाफिंग, वो हंसते हंसते सो गई। आगे आप देखें सरदार भगत सिंह, नोट कीजिए सरदार भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। सरदार भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर झूल गए, तो इसके लिए आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे सरदार भगत सिंह सरदार भगत सिंह फांसी पर लटकने की होता है फ्रेंड्स हैंग। हैंग मीन्स फांसी पर लटकना, झूलना, तो ईडी लगेगा वी टू में। सरदार भगत सिंह हैंग, वो लटक गए फांसी पर, कैसे? हंसते हंसते, तो लाफिंग। इसी प्रकार से कोई भी क्रिया का रिपीटेशन अगर हो तो आपको बनाना है वाक्य। एक देखिए लता, लता रोते रोते, लता रोते रोते चली गई। अब यहां पर आपको क्या करना है, लता रोते रोते चली गई मीन्स लता सब्जेक्ट हुआ, वी टू में है चली गई वेंट, लता वेंट, कैसे गई? रोते रोते गई। रोने का मतलब है जब रोते रोते गाते गाते सोते सोते जो क्रिया रिपीट हो रही है उस क्रिया में हमें आईएनजी का प्रयोग करना है, बाकी और कुछ करना नहीं आपको। तो लता वेंट, लता गई, चली गई, कैसे गई भैया? रोते रोते, तो वीप में आईएनजी कर देंगे आप, वीपिंग। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये। अमित, अमित गाते गाते, अमित गीत गाते कर लीजिए, अमित गीत गाते गाते थक गया। अब इसको आप कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे अमित थक गया, टायर्ड, अमित टायर्ड। कैसे थक गया भैया? किस कार्य को करते करते? तो कौन सा कार्य है? गीत को गाते गाते, तो अमित टायर्ड सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग। फ्रेंड्स सर आपकी समझ में आ गया होगा कि जो क्रिया रिपीट की जा रही है, जो क्रिया, इसमें दो क्रियाएं काम करेंगी, एक तो क्रिया जो मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है, दूसरी क्रिया जिसका रिपीटेशन हो रहा है, जो क्रिया रिपीट हो रही है, तो जो रिपीट होने वाली क्रिया है उसका अनुवाद हम बाद में और आईएनजी के साथ करेंगे, जो मुख्य क्रिया है उसको हम मुख्य क्रिया के रूप में यूज करेंगे। तो यहाँ आपने देखा किस प्रकार से हमने इन वाक्यों को बनाया। ये वाक्य बड़े ही इजी और बहुत ही इजीली यूज करने वाले हैं, इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, लेकिन केवल थोड़ा सा कुछ सोचना है, समझना है, तो फ्रेंड टेंस का तो आपको ख्याल करना ही होगा, कौन सा वाक्य किस टेंस का है, और इनको टेंस का ध्यान देकर के आपको सीधे अनुवाद कर देना है, लास्ट में रिपीट वाली वर्ब को आईएनजी लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना। तो मैं चाहूँगा कि आप होमवर्क के रूप में एक वाक्य लिखें, और इसी तरह से मैंने जो उदाहरण आपको दिया, आप एक वाक्य से कुछ भी लेटे लेटे सोते सोते, सोते सोते वह खो गया, वह खाते खाते मर गया, समझ रहे ना, मैं पढ़ते पढ़ते नौकरी पा गया, तो फ्रेंड्स कोई भी वाक्य आप लीजिए और इनको बेहचक बनाइए। अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं आपके साथ हूँ, तो आप एक होमवर्क नोट करिए। सुमन
मेरे पास सुमन मेरे पास नाश्ते नाश्ते आई। सुमन मेरे पास नाश्ते नाश्ते आई। फ्रेंड्स, इस उत्तर की प्रतीक्षा मैं आपसे करूंगा और अपेक्षा करूंगा कि आप इसका उत्तर जरूर लिखेंगे। यदि आपने सही सही पढ़ा है, वीडियो को देखा है, तो फ्रेंड्स निश्चित रूप से आप उसको कर भी लेंगे। और अगर ऐसे वाक्य आपको इंग्लिश स्पोकन में आते हैं कहीं बोलने में, तो बेहिचक अनडाउटली यू हैव टू एक्सप्रेस योर फीलिंग। तो बस फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। हम चाहेंगे कि आप इसको अधिक से अधिक पढ़ें, देखें और शेयर करें। पढ़ने देखने और शेयर करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।